सुप्रभात छात्र छात्रा बच्चों, आज हम हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में संचयन के पाठ 2 स्मृति पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। स्मृति कहानी का शीर्षक यह स्पष्ट कर देता है कि प्रस्तुत कहानी की घटना लेखक को जीवन भर याद रही। इस कहानी में लेखक और उनके छोटे भाई दोनों खेल कूद में व्यस्त हैं। उन व्यस्तता के क्षणों में ही एक आवाज़ दूर से आती है और एक आदमी ज़ोर से चिल्लाकर लेखक का नाम लेकर पुकारता है और यह संकेत देता है कि बड़े भाई साहब ने उसे बुलाया है। लेखक का हृदय बड़े भाई से पिटने की आशंका से भयग्रस्त है। लेखक खेल छोड़कर आते हैं और डरते डरते घर में घुसते हैं। जब भाई साहब को लेखक कुछ लिखने में तन्मय देखते हैं तो उन्हें तसल्ली होती है कि आज मार खाने की परिस्थिति नहीं बन रही है। बड़े भाई से आदेश मिलता है कि कुछ चिट्ठियों को मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल आना है। लेखक तत्क्षण तैयार हो जाते हैं और अपने छोटे भाई को और अपना एक डंडा भी साथ ले लेते हैं। लेखक उस लाठी को नारायण वाहन मानते हैं। आगे जो घटनाक्रम है उनमें भी सचमुच वह लाठी नारायण वाहन सिद्ध होती है। लेखक काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए मक्खनपुर की ओर छोटे भाई के साथ चल पड़ते हैं। दोनों भाई एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ जाते हैं जिसमें एक भयंकर सांप रहता है। वह कुआं कच्चा है और 24 हाथ गहरा है। दोनों भाई उस कुएं पर पहुंच जाते हैं। बाल सुलभ कौतुक के चक्कर में फंस कर दोनों भाई कुएं में सांप का दृश्य देखने के लिए झांकने लगते हैं। इसी क्रम में सिर पर रखी टोपी को बार बार उतारना पड़ता है जिससे चिट्ठियां सुरक्षित रखी गई थी। दुर्भाग्य से टोपी रखने उतारने के क्रम में तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने के बाद लेखक की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। लेखक उन चिट्ठियों को गिरते हुए देख उसे पकड़ने के लिए कुएं में ऐसे ही लपकते हैं जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। लेखक की पहुंच से बाहर हो जाने के कारण वे चिट्ठियां अंत में कुएं में गिर जाती हैं। लेखक के सामने अब 2 ही विकल्प शेष रह जाते हैं, या तो उन चिट्ठियों को वह किसी तरकीब से कुएं से निकाल ले या घर जाकर झूठ बोले और कहे कि तीनों चिट्ठियां डाक में डाल दी गई हैं। लेखक काफ़ी सोच विचार करने और रोने धोने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन चिट्ठियों को कुएं से निकालना ही है। कुएं से चिट्ठी निकालने का क्रम काफ़ी कठिन था। कुएं में सांप की उपस्थिति से चिट्ठियों को निकालना मौत के साथ भिड़ने का काम था। इस कहानी में लेखक ने चिट्ठी निकालने की घटना का रोमांचक वर्णन किया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकाल ही ली। लेखक ने पूरे प्रकरण के अंत में इस पूरी घटना की रोचकता, गंभीरता और भयावहता का कम से कम शब्दों में वर्णन किया है। कितने अच्छे थे वो दिन, उस समय राइफल ना थी और डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था, और उस डंडे की सहायता से ही लेखक ने उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकाला और उस भयानक सांप का सामना किया। तो इस कहानी में बच्चों, लेखक ने बहुत ही रोचकता और भयानकता के साथ इस पाठ को बताया है कि दोनों बच्चे चिट्ठियों को निकालने के लिए कितना परिश्रम करते हैं और कितना डर उनके अंदर है, लेकिन उसके बाद भी वह दोनों चिट्ठियों को निकालने में सफल हो जाते हैं और